संगठन एचएससीबी वर्कर्स यूनियन ने पूरे प्रदेश में कर्मचारियों की लंबित मांग और प्रदेश सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ यह आंदोलन कर रखा है। आज जिसका चौथा चरण है, पहले चरण में हम लोगों ने 28 जनवरी को हरियाणा प्रदेश की तमाम सब डिविजनों पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से इस निगम मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार को चेताने का काम किया था कि कर्मचारियों की जो समस्याएं, जो डिमांडें लंबित हैं, उनको मानने का काम करें। सरकार के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। अगले चरण में हम लोगों ने 31 जनवरी को पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकारी अभियंताओं के डिवीजन कार्यालय थे, उन कार्यालयों पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उसके बाद प्रदेश सरकार को संज्ञान में हम लोगों ने प्रदेश के तमाम सर्कल कार्यालयों पर इसी प्रकार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर अपनी मांगों के लिए आवाज उठाई। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस निकम्मी, नाकारा, गूंगी बहरी सरकार और ये अफसरशाही, इसकी तानाशाही के खिलाफ आज प्रदेश के कर्मचारियों को हिसार मुख्यालय पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना पड़ा। आज मैनेजमेंट को हम इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास समय है कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिए अपनी एचएससीबी वर्कर्स यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी को बुलाकर उनके साथ जो भी लंबित हमारी डिमांडें हैं उन डिमांडों को पूरा करने का काम करें। साथ ही प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व कर्मचारी वर्ग से जो वादे किए थे, आज समय है उन वादों को पूरा करने का। चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात हो, चाहे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको जोखिम भत्ता देने की बात हो, इसके साथ साथ एक्स ग्रेस या पॉलिसी को बहाल करने की बात हो, तो फ्री यूनिट देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम हरियाणा सरकार और निगम मैनेजमेंट के खिलाफ में। साथ ही साथ इस कोविड काल में सरकार ने, उस निगम मैनेजमेंट ने कर्मचारियों के साथ जो कुटाराघात किया है, जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पर कर्मचारियों को घरों से बेघर करने का काम किया है, कर्मचारी वर्ग को तितर बितर करने का काम किया है, इन सब बातों को लेकर आज प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। इसी के खिलाफ आज उस रोष को एक प्रदर्शन के माध्यम से इस हिसार मुख्यालय पे प्रत्येक कर्मचारी, आप देख रहे हो हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन सब कर्मचारियों की सिर्फ एक ही आवाज है कि निगम मैनेजमेंट की हर जाति का जवाब कर्मचारी वर्ग आने वाले समय में संघर्ष के साथ देगा। हम प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा देना चाहते हैं, आम जनमानस को किसी भी तरह की परेशानी नहीं देना चाहते। इसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की सरकार और निगम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कर्मचारियों में और प्रदेश के उपभोक्ताओं में आपसी टकराव करवाना चाहती है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि सरकार इस हठधर्मिता को छोड़कर कर्मचारियों की लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करे। मेरा नाम सुनील खटाना है, मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी एचएससीबी वर्कर्स यूनियन का, साथ ही हरियाणा कर्मचारी महासंघ का। आज कर्मचारी आज इस प्रदर्शन में शामिल है और ये आज डीएच का प्रोग्राम है। अगर आज भी निगम मैनेजमेंट नहीं चेती तो अगला प्रोग्राम हमारा पंचकूला के अंदर 17 तारीख को है, जिसमें पूरे हरियाणा का बिजली का कर्मचारी शामिल होगा और इस निगम मैनेजमेंट की आंखें खोलने का काम करेगा। तो बार बार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार नहीं मानेगी, तो क्या लगता है? नहीं, आगे अगर सरकार नहीं मानेगी पंचकूला के प्रोग्राम के बाद, उसके बाद 22 फरवरी की हड़ताल हमने घोषणा कर रखी है। उस हड़ताल में अगर निगम मैनेजमेंट किसी भी तरह कोई ओछा हथकंडा अपनाएगी, किसी तरह को जाति करेगी, तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन निकल जाएगी। तो मुख्य मांगे किस प्रकार की है? मुख्य मांगे हमारे पुरानी पेंशन बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा देना और जो निगम मैनेजमेंट अलग अलग तरह के प्रोग्राम जो कर्मचारियों के साथ कुठाराघात करते हैं उनको लेके आ रही है, उनको वापस लेना। तो ये कई तरह की 30 तरह की डिमांड चार्टर हमने सरकार को दे रखे हैं, उसमें सभी डिमांड है हमारी। कृष्ण नैन, सीनियर वाइस प्रधान एचएससी वर्कर यूनियन एरोबी। धन्यवाद।